everyone, welcome to CS Executive. Yes, I know बहुत अच्छा लगता है सुन के. First of all, many congratulations on the well-deserved success of clearing CSEET exams. आप उन बच्चों में से हैं जो इंस्टीट्यूट ICSI समझता है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं कि जो CS Executive में आएँ, जो इस CS कोर्स में आएँ. एंड इसीलिए भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बारे में. आपने बहुत मेहनत की एंड बहुत डिजर्विंग सक्सेस मिली है आपको इसके लिए. एंड अभी तो ऐसा लगता है ना कि वाह, मतलब भैया CSEET क्रैक के लिए CS Executive पढ़ूंगा मैं, अब तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता. अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है. अभी आनी भी चाहिए बट ये फीलिंग आई है तो इसको प्लीज़ बरकरार रखिएगा, क्योंकि एज एक्साइटिंग एज दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी ऑल्सो. बट ट्रिकी को टैकल कैसे करेंगे? आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी मेहनत से, और हमारी मेहनत और आपकी हमारी गाइडेंस से जो आपको मिलती रहेगी हर कदम पर. पूरी टीम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देती रहेगी, सब्जेक्ट रिलेटेड एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ऑल दैट यू हैव टू डू इज पुट इन ऑल द हार्ड वर्क. तो ये जो स्पिरिट्स है, ये जो जोश है कि मैं CS Executive में पहुँच गया हूँ, मैंने तो पूरा दुनिया हिला डाली है, इसको बरकरार रखिए. क्योंकि अगले 4-5 मंथ्स जो भी आपके लेक्चर्स आते रहेंगे, जो भी आपको वीडियोस डिलीवर, ये थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा बट यू हैव टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स. सो इतना मैंने बात कर ली. लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ दिव्या वासवानी. आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है मुझे CSEET के बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स में भी देखा होगा. तो येस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ प्रोफेशनल एंकर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन का मैं आपको नॉलेज देती हूँ वो प्रैक्टिकली मेरे एंकरिंग एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कोर्स से आता है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, है ना. तो मैम, अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स है हमारे, 8 सब्जेक्ट्स है टोटल CS Executive में. दुनिया भर के लॉज हैं, सब है, टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी दे दिया. तो क्यों दिया एट लास्ट? वाई डू वी नीड टू स्टडी फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मैडम, हम कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं. येस, आई नो आप कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं. आई नो आप बहुत बढ़िया कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं, बहुत ही टैलेंटेड कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं. बट ये इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है? इसको इंस्टीट्यूट करने का, फाइनेंशियल इंक्लूड करने का आपके सिलेबस में फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को. आप बोल सकते हो, आपको एवरी राइट है कि वी, हम लोग तो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं मैडम, हम तो लीगल चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं, हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लीगल वर्क, तो वाई डू वी हैव टू स्टडी फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? देर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर एक्सपर्ट इन दिस. तो येस, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज है. उनको भी पता है भैया कि फाइनेंस के एक्सपर्ट CAs हैं, CFAs हैं, दुनिया भर के और एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं. बट इसका क्या ये मतलब है कि आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज ना दी जाए? ऑफकोर्स नॉट. कल को आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, या कल को आप कहीं पे भी बैठे हैं, एंड आप क्या सिर्फ ऐसे ढह समान बैठे रहेंगे कि नहीं भैया हमारा जब लॉ का रिलेटेड पॉइंट आएगा तब मैं हाथ उठा के बोलूँगा कि मेरा जो भी इनपुट्स है? नो. टू हैव एन एज, आप अगर कल को कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, डीम्ड है कि आपको लॉ के इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, आपका लॉ के ऊपर बहुत तगड़ा स्कोप है, आपका लॉ के ऊपर बहुत तगड़ा ग्रिप है, तो बट आपके अलावा और भी 10 कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो उस इंटरव्यू की लाइन में हैं. सो व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी हायर यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड यू टेल देम कि भैया मैं तो लॉ का एक्सपर्ट हूँ, मुझे लीगल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो that is not a edge of factor, that is not a reason why they should hire you. They can hire somebody else also, right? So to provide a complete package कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज हो, स्ट्रैटेजी का नॉलेज हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज हो, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. एंड होना भी चाहिए ना, लॉ का मैटर तो होगा, लीगल एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए रहेगी तो आपके पास ही आएंगे. बट क्या फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, अगर आप एक कंपनी में हैं तो क्या वो अवॉइडेबल चीज़ें हैं? अरे फाइनेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना यूज़ करते हैं, तो एट अ कंपनी लेवल दिस इंक्रीजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. तो इसीलिए आपको एक सरफेस नॉलेज चाहिए. सरफेस नॉलेज चाहिए मैडम, इसीलिए तो MCQ पेपर है, नहीं तो वो आपको पूरा, जैसे लॉ के आपको इतने सारे पेपर्स हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वैसा पेपर लेते अगर वो आपसे एक्सपर्ट नॉलेज चाहते तो. ऑफकोर्स दे डोंट एक्सपेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज फ्रॉम यू, ओनली अ प्रैक्टिकल certain level of knowledge is expected out of you, and that is the reason this paper is MCQ. Otherwise, I am a chartered accountant. I know कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर होता था उसमें हमें 3 घंटे भी कभी पूरे नहीं पढ़ते थे और वो पेपर छूट ही जाता था. वो इतना ज़्यादा हार्डकोर लेवल पे हमें होता था, बिकॉज दैट वाज आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. दिस इज़ नॉट एरिया ऑफ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस. यू नीड टू नो एवरीथिंग holistically in order to be a good, in order to be an asset to an organization, in order to be an asset to your company. अगर आप सिर्फ legal knowledge में रहोगे तो आपको कोई edge नहीं मिलेगा. तो वो edge आपको मिले इसीलिए आपको subject included है. अब मैं अगर आपको बताऊँ कि इंस्टीट्यूट जो ये बोलता है कि इनको, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, तो ये मैं नहीं समझा रही हूँ, आप बोलोगे कि मैडम का तो सब्जेक्ट है तो इसीलिए मैडम ये ज्ञान हमको बता रही है कि भैया ये सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं तो मैडम का तो पूरा मैटर ही खत्म हो जाएगा. तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इंस्टीट्यूट बोलता है. आपका जो पार्ट 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 60 मार्क्स का है, और पार्ट 2 है जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भैया हम आपको क्यों दे रहे हैं ये सब्जेक्ट आपके इतने बड़े सिलेबस में. तो वो बोलते हैं टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो एज टू डेवलप स्किल्स इन टेकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कि अगर आपको एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नीड चाहिए, आपकी कंपनी को आपसे कुछ इनपुट चाहिए रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो आप वो नॉलेज प्रोवाइड कर पाओ. आप उनको ये ना बोलो कि मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई, मेरे को क्या पता, मैं तो लीगल वाला हूँ तो मेरे को लीगल वाली चीज़ों के बारे में पूछना, मुझसे नहीं पूछना ये सब फाइनेंस वगैरह के बारे में. सो दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ डिसेंट नॉलेज सो दैट आप अपने इनपुट्स प्रोवाइड करते रहे, आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड जो भी आपके बारे में नॉलेज है वो आप कंट्रीब्यूट कर पाए उस ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर मल्टी डायमेंशनल स्किल्स सो एज टू इक्विप देम टू कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. अगेन टू डेवलप एन एज कि भैया अपार्ट फ्रॉम लीगल स्ट्रैटेजी रिलेटेड मैटर, स्ट्रैटेजी टुडे, मतलब ये परफेक्ट टाइम है आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने का. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैडम, आप अभी लॉकडाउन में देखो, सिर्फ लॉकडाउन में रिलायंस ने इतने सारे इन्वेस्टर्स एक्वायर कर लिए. ये उनका टारगेट है कि मार्च 2021 तक हम पूरे डेट फ्री हो जाए. फेसबुक ने इन्वेस्ट कर दिया है, गूगल ने इन्वेस्ट कर दिया है. तो डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड ओवरनाइट? डू यू थिंक कि भैया हमने सोचा, हाँ उन्होंने बैठे बैठे रातों रात सोच लिया कि मार्च 2021 में मुझे डेट फ्री होना है तो बस आज फेसबुक है, फेसबुक भाई प्लीज़ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें? दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स. इट इज़ एन एंटायर प्रोसेस. एक स्ट्रैटेजी पूरी डिसाइड होती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. एंड इसीलिए रिलायंस हैज़ गेन्ड एन एज ओवर दीज पास्ट फ्यू मंथ्स. तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. एंड लाइक आई सेड कि फाइनेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कोर्स रिलेटेड, तो ठीक है आप कंपनी को अपने इनपुट्स दोगे, आप कंपनी को अपना नॉलेज पास ऑन करोगे, उनको उनके लिए एसेट प्रूफ होगे ये सब चीज़ें पढ़ के, ये बात तो बिल्कुल सच है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अपना हर काम इफ़ेक्टिव करने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो आप उसको उस लेवल से देखो कि नॉट जस्ट इट इज़ नॉट, ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद द सब्जेक्ट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जाम, इट इज़ गोइंग टू हेल्प द कंपनी इन द लॉन्ग रन, बट दिस ऑल दीज थिंग्स यू आर सराउंडेड बाय ऑल दीज थिंग्स. ये सब चीज़ें आपके आसपास है, थी, है और हमेशा रहेगी. एंड एट दिस स्टेज ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है. तो फर्स्ट आई विल जस्ट क्विकली गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपके सब्जेक्ट में एक्चुअली है क्या क्या. अभी प्लीज़ ये सब दिमाग मत लगाना कि भैया ये मैं वर्ड बोलूँ और आपको समझ में आ जाए. अगर आप मेरे वर्ड बोलने से आपको सब कुछ समझ में आ जाता तो ये 100-120 आवर्स के हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते और ना यहीं का यहीं बात खत्म हो गई होती. सो जस्ट लिसन, ट्राई टू हैव अ बेसिक ओवरव्यू कि हाँ हाँ मेरे सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर है कि भैया कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी मैं लूँ, कितना लोन उठाऊँ मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के है चीज़ें, और डिविडेंड पॉलिसी की कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए क्या, देना है तो कितना देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऐसे करके आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं. ये चैप्टर्स दिखने में बहुत सारे हैं बट इन सब का आपको एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप दिया गया है इन चीज़ों को लेके. अगेन प्रोफेशनल में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो यहाँ ये स्कोप थोड़ा और एक्सपैंड होगा. बट एट दिस स्टेज दिस माइट लुक लाइक अ लॉट फॉर 60 मार्क्स बट इन सब का स्कोप बहुत छोटा है. तो ये इसीलिए अगेन वाई सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड वाई सो लिटिल ऑफ स्कोप, बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ सरफेस नॉलेज. ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. Okay, next, strategic management. Strategic management, like I gave you the example of Reliance on all these investors, and जो भी mergers होते हैं वो क्यों होते हैं, mergers क्या होता है, these mergers are happening, all this is a part of developing a strategy, implementing a strategy. Strategy आपको क्या लगता है कि overnight बन जाती होगी? No, this is an entire in-depth process जिसमें हम पूरा study करते हैं पहले कि हमारी strength क्या है, weakness क्या है, हमारी need of the hour क्या है, हमें कौन सी strategy चाहिए, कब ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कंट्रोल्स लगाएंगे, ये सब दुनिया भर की चीज़ें आप देख सकते हो, ये आपको पढ़नी पड़ेगी जस्ट सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली एंड दैट स्ट्रैटेजीज आर बेनिफिशियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस इज बेसिकली आई वॉन्टेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों है. नेचुरल सी बात है यार, मतलब किसी भी आपको अगर जैसे हम लोग को लॉ रहता था तो वी हैड ओनली वन subject of law and the other subjects were related to our field. हम लोग मतलब in chartered accountancy this is what happens. So again, because we are not legal experts, we are expected to have a basic knowledge of that subject. Hence, it was only one subject out of all the 7-8 subjects that we had. तो वैसा ही आपके लिए finance और strategic management है. अब एक basic preconception होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैडम, बहुत डिफिकल्ट होगी, बहुत दिक्कत जाएगी, मैं इस पर बैंग ऑन तो नहीं कर सकता. बैंग ऑन मतलब मैं इसको अपने टारगेट में ऐसा तो नहीं ले सकता कि मैं इसमें इतना अच्छा स्कोर करूंगा कि मेरा एग्रीगेट बहुत अच्छा हो जाए या मैं रैंक के लिए एम करूं. आपके दिमाग में ये प्री कंसेप्शन आप हटा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास दो चॉइसेस है. पहली चॉइस तो ये है कि या तो आप इसको इस तरीके से पढ़ के चलो कि भैया मेरे से ये सब्जेक्ट जमता नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं इसको सिर्फ 40 एम करने के लिए पढ़ूंगा. दूसरा होता है कि यार पढ़ तो रहे ही हैं तो अपनी जी जान लगा देते, अपना बेस्ट तरीके से पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू हैव दिस सब्जेक्ट, हैव अ कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट मुझे उठा ले. मैं क्यों आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि इसके जो दो पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, एक है नंबर्स रिलेटेड, एक है फुल्ली जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है और एक इसमें पूरा थ्योरी इन्वॉल्व है. अरे तो बच्चे भी तो दो ही टाइप के होते हैं ना, या तो उनको प्रैक्टिकल इस पे ज़्यादा कमांड होता है, नंबर ज़्यादा पसंद आते हैं, या तो थ्योरी ज़्यादा पसंद आते हैं. तो आपका एक पोर्शन आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जो नंबर्स पर जिनका अच्छा कमांड है, या आप उस कैटेगरी पे फॉल इन करते हो जिनका थ्योरी पर अच्छा कमांड है, आपका एक पोर्शन तो सिक्योर्ड है, या वो 60 मार्क का है या वो 40 मार्क का है. बच्चा जो अगला पोर्शन है जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, वो नंबर्स भी हो सकता है, वो थ्योरी भी हो सकती है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, पहले पार्ट के लिए भी मैं हूँ, बट पहले पार्ट के लिए आप साइकोलॉजिकली रेडी हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि यू हैव टू हैव दैट स्पिरिट इन यू कि ये सब्जेक्ट नया और इसका ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है. दिस इज़ अ बेसिक एडेड एडवांटेज कि आपका क्लीन स्लेट है इस चीज़ के ऊपर. मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आपका क्लीन स्लेट है इस चीज़ के ऊपर. आपने कभी भी फाइनेंस नहीं पढ़ा है, आपने कभी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, तो जो चीज़ आपने कभी पढ़ी ही नहीं है आप उस चीज़ को लेके कैसे एक परसेप्शन बना सकते हो कि ये मेरे से ना हो पाएगा, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा, इस पर मैं बैंग ऑन नहीं कर सकता, इस पर मैं स्कोर नहीं कर सकता. तो इसीलिए यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट कि येस आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट शॉट एट दिस सब्जेक्ट एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू स्टडी विद दैट नोशन दिस सब्जेक्ट विल बी योर स्ट्रेंथ, दिस सब्जेक्ट विल बी योर स्ट्रेंथ इन ग्रुप टू, दिस सब्जेक्ट इफ यू गिविंग बोथ ग्रुप्स विल बी योर स्ट्रेंथ एंड यू नेल इट. क्यों? क्योंकि MCQ है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ ऑल दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इज अ पर्टिकुलर फ्लो. FM स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना तो एक मोती की माला होती है ना, एक इफ़ देर इज़ एक पर्ल का नेकलेस होता है, उसमें हम एक एक मोती डालते जाते पिरोते जाते हैं एंड देन जाके वो एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस सेटअप होता है. FM स्पेसिफिकली इज़ दैट सब्जेक्ट कि एक एक चीज़ जा जाके वो पूरा एक लिंक बैठता है और तब जाके बात कंप्लीट होती है. तो आपको FM में ये लीनियंसी नहीं अफोर्ड कर सकते आप कि आज का लेक्चर में थोड़ा सा चिल मोड में सुन लेता हूँ, यार आज मन नहीं कर रहा है, आज बारिश हो रही है, आज मैं चाय पीते पीते सिर्फ हेडफोन्स लगा के टाइम पास करते हुए सुन लेता हूँ. यू कैन नॉट अफोर्ड दिस. इन प्लेन सिंपल लैंग्वेजेस ऑल आई कैन से इज़ कि यू कैन नॉट अफोर्ड दिस बिकॉज कि आपने एक भी लेक्चर में प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली नहीं सुना तो आगे के सारे लेक्चर्स बिगड़ जाएंगे. दिस इज़ नॉट टू स्केयर यू, दिस इज़ जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द फैक्ट कि भैया हाँ हर लेक्चर हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है, सुनना है, फुल अंडरस्टैंडिंग देनी है उस चीज़ को, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी उस चीज़ को लेके. इसीलिए। और आपका तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू लाइव, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एज अ वीडियो लेक्चर। सो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं जाना है या कुछ करना है, सब कुछ आपके कंफर्ट पे मिल रहा है आपको। एंड द मोमेंट यू फील अ डाउट, द मोमेंट यू फील कि ये मुझे नहीं समझा, तो आप मुझे तुरंत का तुरंत रीच आउट करेंगे। अगर हम लाइव मोड में पढ़ रहे हैं तो हम लाइव मोड में आप मुझे तुरंत का तुरंत रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको लाइव मोड में नहीं देख रहे हैं तो आप मुझे मेल, ईमेल में सब डिटेल्स आपको दूंगी, उस पर रीच आउट कर सकते हैं। बट तुरंत का तुरंत, ऑफकोर्स यू कैनॉट गेट अ तुरंत रिप्लाई फ्रॉम मी, बट आई विल ट्राई टू गिव यू अ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आपका आगे का कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। एफएम में स्पेसिफिकली कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद द बेसिक्स कि ये सब्जेक्ट जैसा आपको लग रहा होगा वैसा नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और हम क्लास में बहुत बार रिवाइज़ भी करने वाले हैं। अगर आपने मुझसे बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ा होगा तो भी आपको ये बात पता है कि मैं हर चीज़ को इतनी बार रिवाइज़ कराती हूँ, इतनी बार रिवाइज़ कराती हूँ कि आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो आपके भेजे में घुस जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू विथ FMSM also, we are continuously going to keep revising things so that we reach there. हम conceptually समझेंगे, हम book की language पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक MCQ based exam है। कोई भी लाइन से उठा के इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर सब्जेक्टिव होता है तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है, कुछ भी हो जाता है। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन विथ नेगेटिव मार्किंग, विच मेक्स इट ऑल द मोर नेसेसरी कि हम इसको अच्छे से पढ़ें, इसको सीरियसली लें। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको एक ब्रीफ अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया है उस चीज़ के बारे में। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, अब हम आते हैं चैप्टर्स पे। तो आज क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, इसीलिए इंस्टीट्यूट का जो फर्स्ट चैप्टर है मॉड्यूल का, ये जो आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, ये नोट्स आर मोर देन इनफ। ओके, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें इंस्टीट्यूट के बेसिस पे ही ये नोट्स बने हैं। मैंने अपनी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, और जो भी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगी वो आपको तुरंत का तुरंत पेन डाउन करना है। जैसे हम स्कूल में करते थे ना कि मैडम ने कोई एग्जाम्पल दिया तो हम फट से लिख देते थे कि अरे भूल ना जाए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे अपने को सब याद रहेगा, अपन तो बॉस है। नो, इवन इफ़ यू थिंक कि आपको याद रहेगा, आपको आज याद रहेगा, आपको कल याद रहेगा, आपको एक हफ्ते बाद याद रहेगा। बट अगर आप 2 महीने बाद वापस से इसी सब्जेक्ट, इसी चैप्टर पे आ रहे हो, तब आपको कन्फ्यूजन होगा। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू गो एंड रीविजिट एंड स्टार्ट द लेक्चर अगेन। इसीलिए आपको तुरंत का तुरंत नोट्स लिखना है, और आप जब जब लिखते हो ना तो आपकी वो सबकॉन्शियस मेमोरी में भी वो बात रजिस्टर हो जाती है। ओके, सो आई वॉन्ट यू, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट यू, इट्स लाइक अ ऑर्डर काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई एम गिविंग यू, कि आपको नोट्स बनाने हैं। मैं जो भी आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जो भी हम बातें कर रहे हैं, वो आपको इसमें लिखना है, वो आपको इसमें स्क्रिबल कर देना है। जितना पॉसिबल आप कचरा पट्टी कर सकते हो इसमें उतना करो। ओके, कचरा पट्टी विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। ओके, सो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का, नेचर, सिग्निफिकेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन चैप्टर कि भैया आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक टर्म्स तो पता होने चाहिए ना, कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने आपको बताया कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको क्यों पढ़ना है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पूरी दुनिया क्यों पढ़ती है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ बेसिक नॉलेज, बेसिक और एक्सपर्ट नॉलेज इन वॉट एवर फील्ड यू मे बी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं। फाइनेंस, अब आप बोलोगे मैडम क्या बकवास बातें हैं, हम CS एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं, हम CSEET क्लियर करके आया है, तुमको मजाक लगता है क्या, हम इतना एक्सपर्ट है, तुम हमको फाइनेंस पढ़ा रहे हो, फाइनेंस का मीनिंग पढ़ा रहे हो। अरे फाइनेंस तो मतलब पैसा ना मैडम, और क्या। तो ठीक है भाई, तुम बोलते हो फाइनेंस मतलब पैसा, ये सिर्फ अभी एट दिस मोमेंट तक तुमने बोला फाइनेंस मतलब पैसा, तो मैं मान ले, मतलब मैं एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, मैं सहन कर ले रही हूँ। अगले 10 मिनट के बाद भी अगर तुम्हारा यही मेरे पूछने पे आया कि फाइनेंस का मतलब क्या, और तभी भी तुमने पैसा बोला, तो फिर तो तुम गए। ठीक है, तो फाइनेंस मतलब क्या। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि ये कंपनी को आप इनपुट्स दोगे, आपको ये एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में क्लियर करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के। बट ये सब चीज़ों से आप डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा सराउंडेड हो, ये सब चीज़ें अनअवॉइडेबल है। अब फाइनेंस, आप देखते होंगे कि मम्मी लोग जो होते हैं ना वो पापा को बोलते हैं कि ए जी चिंटू के पापा मेरे को घर खर्चा चाहिए, घर खर्चा चाहिए, हर महीने का, हर हफ्ते का, हर घर में अलग अलग होता है। इफ़ योर मदर इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हाउस मॉनिटरीली, तो वो उनसे अपने आपके पापा से मांगती हैं कि चिंटू के पापा घर खर्चे देना, इस महीने का घर खर्चा टाइम पे नहीं आया तो आज रात को आपको खाना नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हर हाउस होल्ड में होती है। तो घर खर्चा जो मैम, जो भी आपकी मॉम लेती होंगी 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर इट इज़, वो घर खर्चा आप देखते होंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली वो यूज़ होता है कि हाँ भैया 10,000 का राशन आ गया, 5,000 भाइयों को दे दिया, कुछ किटी पार्टियों के लिए मम्मी ने अलग करके रखा है, कुछ मम्मी ने सेव करके रखा है इमरजेंसीज के लिए, कुछ की मेडिसिन आ रही है, कुछ के कपड़े आ रहे हैं, कुछ के आपकी स्कूल की फ़ीस जा रही है, एंड दुनिया भर के खर्चे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मम्मी को बस पैसे मिलते होंगे और जब जिसने पैसा मांगा मम्मी ने पैसे कर लिए, मम्मी ने पैसे वैसे खर्चा कर लिए? ऐसा इज़ इट दैट सिंपल कि बस भैया आज पैसे मिले, मम्मी आज किराने की दुकान में लाई और मम्मी पापा ने 10,000 रुपये दिए और मम्मी 10,000 की दाल लेके आ गई, ना चावल है ना रोटी है, आप पियो दाल बस दिन भर, दिन को भी रात दाल मिलेगी, दोपहर में भी दाल मिलेगी, रात को भी दाल मिलेगी, और दाल सिर्फ रूखी खानी है, ना रोटी मिलेगी ना चावल मिलेगा उसके साथ। ऐसा होता है क्या? ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है। मम्मी लोग बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं चीज़ें कि हाँ ग्रॉसरी में इतना शेयर जा रहा है, भाइयों को इतना जा रहा है, सब सीमलेसली मैनेज होता है। तो ये क्या है? दिस इज़ फाइनेंस ओनली, दिस इज़ मैनेजमेंट कि भैया जो पापा ने 10,000 रुपये दिए मम्मी को, वो मम्मी ने इस तरीके से यूज़ किए कि जो भी घर की नीड्स थी, जो भी घर के खर्चे थे, वो बहुत प्रॉपर्ली अकम्प्लिश हो गए, वो प्रॉपर्ली हो गए सारे के सारे खर्चे। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा 3 लोग, 4 लोग, 40 लोगों के घर में 10,000 रुपये के पीछे मम्मी इतनी प्लानिंग करती है कि ये पैसा यहाँ जाएगा, ये पैसा वहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ जाएगा, ताकि घर के सारे काम बराबर से हो। तो तुमको क्या लगता है कि एक इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की बात हो रही है, वहाँ पे प्लानिंग नहीं होती होगी? वहाँ पे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? और ज़्यादा क्या, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इनफाइनेटली बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पापा का पैसा है, तुम्हारी मम्मी की बात है, तुम्हारे खाने पीने की बात है। अरे वहाँ शेयर होल्डर्स का भी पैसा लगा है, वहाँ बैंक से भी पैसा लिया, बैंक को भी इंटरेस्ट देना है, दुनिया भर की बातें हैं, 100 लोग इन्वॉल्व हैं, हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं। तो हेंस मैनेजमेंट बिकम्स ऑल द मोर नेसेसरी। फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, फाइनेंस इज़ नॉट जस्ट मनी, फाइनेंस इज़ द स्किल, द आर्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। अरे मम्मी ने जो वो 10,000 रुपये लिए, मम्मी उसको कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसे लिए, कंपनी ने जो डिबेंचर से पैसे इशू हुए, कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया, उसको कंपनी कैसे यूज़ कर रही है कि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। दैट इज़ फाइनेंस, दैट इज़ फाइनेंस। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फाइनेंस में भी डिफाइंड एज एन आर्ट और अ साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, इज एन आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। पैसा, मनी इज़ नॉट फाइनेंस, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, कि वो मनी कैसे यूज़ होगा, कैसे मैनेज होगा, दैट इज़ फाइनेंस। तो अब तुम्हें क्या लगता है? अब मैं तुमको फिर से पूछूंगी फाइनेंस, अगर तुम अभी भी मनी बोल दोगे क्या? नहीं। फाइनेंस इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, कि भैया पैसे को कैसे मैनेज करना है टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज़, दैट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस फंक्शन इज़ द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस कंसर्न्स। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पापा से 10,000 रुपये लिए, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, 10,000 रुपये पापा से लिए, उसको ग्रॉसरी में खर्चा किया, उसको भाइयों को दिया, उसमें दुनिया भर के खर्चे किए। यहाँ पे तो तुम्हारे पास सिर्फ पापा सोर्स से जो पैसे दे रहे हैं, बट कंपनी के पास दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं। भैया वो इक्विटी ले सकते हैं, वो डेट ले सकते हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, इक्विटी में कौन से इक्विटी शेयर्स इशू करना है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है, दुनिया भर की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो आप कंपनी कहाँ से पैसा प्रिक्योर करेगी, कंपनी उसको कहाँ लगाएगी, क्या कंपनी उसके फिक्स्ड एसेट्स लेगी, क्या कंपनी उसमें एम्प्लॉयज़ को रेज देगी, क्या कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी, क्या कंपनी एक्सपेंशन करेगी, दुनिया भर की ऑप्शंस रहते हैं, उस ऑप्शन को डिसाइड करना पड़ता है। वो ही सब चीज़ें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बेसिकली पैसा कहाँ से ले, कैसे लगाएं ताकि बेस्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इन अ क्रक्स, दैट इज़ फाइनेंस इन अ क्रक्स। बाकी सब चीज़ें ये तुम्हें समझ गया कि पैसा, मेन मुद्दा ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लगेगा, उसको एक प्रॉपर तरीके से कैसे चैनलाइज करना, ये तुम्हें समझ गया। तो बाकी सब इसके अंदर की ही बातें हैं। ओके अब वेबस्टर्स डिक्शनरी ने भी डिफाइन करके रखा हुआ है फाइनेंस को. वेबस्टर्स 9th न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी डिफाइंस फाइनेंस एज अ साइंस ऑन स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. हर जगह तुम देखोगे वेबस्टर्स डिक्शनरी ने या जो बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि फाइनेंस इज इक्वल टू मनी. हर जगह यही लिखा हुआ है कि फाइनेंस इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, कि भैया जो पैसा है उसको कैसे मैनेज करे. बिजनेस फाइनेंस, अब बिजनेस फाइनेंस जो ऊपर वाला जैसे तुम जो चीज़ हमने बताई कि मम्मी दैट इज़ अ पर्सनल फाइनेंस यूसेज. व्हेन द सेम थिंग आई टोल्ड यू कि कंपनी कहाँ से पैसा उठाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में लगाएगा कि एम्प्लॉयज़ को रेज देगा कि क्या करेगा, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस. ओके तो ये तीन चीज़ें भी ये डेफिनेशन बिजनेस फाइनेंस की तीन लोगों ने डिफाइन करके रखी है. हम एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे और उनको समझेंगे. अकॉर्डिंग टू व्हीलर, व्हीलर एक बंदे का नाम है, उन्होंने बोला है कि बिजनेस फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी which concerns with the acquisition and conversion of capital funds in meeting financial needs and overall objectives of a business enterprise. Acquisition and conversion of capital funds. यहाँ पे मैंने अनलाइन किया है तो आपको भी अनलाइन करना है. ऑफ कोर्स आपको भी नोट्स में अनलाइन है वो चीज़, बट यू ऑल्सो हैव टू मार्क योर पर्सनल टच टू द नोट्स इज व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. योर पर्सनल इनपुट्स टू द नोट्स, जो भी एग्जाम्पल्स आप लिख रहे हो वो चीज़ आपके लिए सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगी. ये नोट्स हैं, ये नोट्स सफिशेंट है स्टैंड अलोन, बट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर ईजी लर्निंग यू हैव टू कीप इनपुटिंग एंड कीप स्क्रिबलिंग इन द नोट्स. ओके एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स. कैपिटल फंड्स मतलब जैसे कि प्रोक्योरमेंट, डेट से पैसा उठाया. कैपिटल फंड्स मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स, कहाँ से पैसा उठाया, उसको कैसे यूज़ करना है ताकि बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से फुलफिल हो. ये बोलते हैं व्हीलर साहब कि भैया बिजनेस फाइनेंस मेरे अकॉर्डिंग तो ये है. अब अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डूगली, बिजनेस फाइनेंस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस. ये बोलते हैं कि भैया मैं पहले प्लान करता हूँ कि पैसे कहाँ से उठाना है, उसके बाद हाँ मैंने प्लान किया, मैंने रिस्क, आप सब पढ़ेंगे नीचे एकदम इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि हर सोर्स ऑफ फंड की एक रिस्क होती है, एक कॉस्ट अटैच होती है उसके साथ और उसका एक रिवॉर्ड होता है. तो कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेस्ट सूटेड है आप वो डिसाइड करते हो और उस अकॉर्डिंग आप फंड उठाते हो. तो आपने वो प्लान किया कि हाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेरे नीड के लिए ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड बढ़िया है तो मैं वहाँ से रेस करूँगा. फिर वो पैसा एडमिनिस्टर करना कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के उससे पूरे हो रहे हैं क्या. दैट इज़ वॉट गुथमैन एंड डॉगली हैज़ टू से. According to Parter and Wirt, business finance deals primarily with raising, administering and distributing funds by privately owned business units operating in non-financial fields of the industry. Again, ये तीनों लोगों ने शब्द अलग अलग चूज़ किए हैं, ये तीनों लोगों ने अपनी अपनी definition दी है, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है बट बात एक ही है. बात एक ही है बिजनेस फाइनेंस की, भैया हम पैसा कहाँ से उठाएं और कहाँ लगाएं उस पैसे को ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैक्सिमम अचीव हो. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स है वो एकदम कम हो और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आए. दैट इज़ बेसिकली बिजनेस फाइनेंस. ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अगेन व्हाट वी डिस्कस नाउ. इसको भी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया हुआ है. कुल मिला के बात मैंने आपको बताया कि क्रक्स हमारा एक ही पॉइंट पे आ जाता है. एक बार हम इसको पढ़ लेते कि क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है ना. वाई मैं आपको समझा दे रही हूँ, चीज़ें समझाना इज़ मोर इंटरेस्टिंग टू लिसन रादर देन रीडिंग एक एक वर्ड ऑफ द बुक. बट एक एक वर्ड ऑफ द बुक पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टू रीडिंग्स आपको एक एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि भैया अपना है एमसीक्यू बेस्ड पेपर, अपना है एमसीक्यू बेस्ड पेपर. कौन सी लाइन में कौन सा डैश डाल दे और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दे, तुमको हवा भी नहीं लगेगी. अगर तुमने वो चीज़ पढ़ी हुई रहेगी, तुमने वो चीज़ रीड की हुई रहेगी तो तुम्हारे माइंड में वो बात रहेगी और तुम उस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. Okay, so we'll read every word. This might get a little monotonous than me giving you examples and me explaining you ऐसे बातों में, but this is very important from the point of exam. Hence, we have to study and read every single line. Financial management is broadly concerned with raising of funds, creating value to the assets of business enterprise by efficient allocation of fund. अगेन बात तो वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फंड्स, क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स बाय एफिशिएंट एलोकेशन. इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लो फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स ऑफ अ फर्म बाय टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस एंड यूटिलाइजिंग द फंड्स. बात वो ही है, मैं आपको बार 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 बोल रही हूँ एक ही चीज़ अलग अलग लोगों की डेफिनेशन से, मेरी डेफिनेशन से, कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुल मिला के सिर्फ एक ही चीज़ है कि पैसा कहाँ से ले ताकि कॉस्ट कम हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, और पैसा कहाँ लगाएं ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स आएँ उस चीज़ को लेके. तो सोलोमन ने बोला है इट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड्स. According to Howard and Upton, financial management is defined as an application of general management principles to the area of financial decision making. Financial management, ये सर आप बोलोगे कि Howard and Upton बोल रहे हैं कि general management principles. अरे हाँ तो सही बोल रहे हैं ना आप. financial management को अगर divide करोगे तो एक financial, एक finance portion आता है, एक management portion आता है. तो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जब आप फाइनेंस के पोर्शन में इन्फ्यूज़ करते हो, उसको कोलैबोरेट करते हो, तो उसी को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे ना. जब आप उसको जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हो तो उसी को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे. तो सही तो बोल रहे हैं ना. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Weston and Brigham, financial management is an area of financial decision making harmonizing individual motives and enterprise goals. Financial decision making, बात वो ही है, 100 बात की एक बात, बात वो ही है. बात यहीं आके एक क्रक्स में आ जाती है, एक समरी में आ जाती है. आप भी इसकी 10 डेफिनेशन बना सकते हैं. आपकी डेफिनेशन पब्लिश नहीं होगी वो अलग बात है, आप भी इसकी 10 डेफिनेशन बना सकते हैं अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दिस, फाइनेंस इज दिस, बिजनेस फाइनेंस इज दैट. यू ऑल्सो कैन डिवाइस योर 10 ओन डेफिनेशंस, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट, द अंडरनीथ जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे की बात है, वो तो एक ही रहेगी इस चीज़ को लेके. Next, what we move on to is nature, significance and scope of financial decisions. Financial decisions. अब आप ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो यार, कि भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस होता है. इन दी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू क्रिएट मैक्सिमम वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स. आपके लिए अभी सिंप्लीफाई करके मैं बोल देती हूँ, वॉन्ट्स टू क्रिएट मैक्सिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज डिफरेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डिफरेंट. वील कम डाउन टू इट. एक अलग ही दुनिया है, ये एक अलग ही टॉपिक है जिस पे हम बहुत ही तगड़े तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करेंगे. दिस विल कम डाउन, बट कुल मिला के आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया आप कंपनी को ऊपर तक लेके जाओ. अभी मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ कि आप कंपनी को ऊपर ऊपर तक लेके जाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट से आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा हो. कुल मिला के आपका ऑब्जेक्टिव ये है. अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको हर राह पे, आपको हर स्टेप पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे. जैसा मैंने आपको बताया कि भैया मैं कहाँ से पैसा लूँ, दैट इज़ अ डिसीजन. मैं उसको कैसे लगाऊँ पैसा, दैट इज़ अ डिसीजन. तो दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन, कि भैया कहाँ से पैसा लेना है, कैसे लगाना है. इन सब चीज़ों के लिए जो जो चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है, ये आपको बेसिकली नीचे दिखेगा कि फाइनेंसिंग डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसको समझना आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप प्लीज़ अपना ध्यान दें, और मैं आपको अभी ब्रीफली समझा रही हूँ, फिर अगेन हम इसकी रीडिंग भी करेंगे. फाइनेंसिंग डिसीजन 3 टाइप के होते हैं मैडम. इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, और डिविडेंड डिसीजन होता है. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप नीचे देखोगे कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब ये क्या शब्द हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना अभी समझने की, मैं समझाऊंगी ना आगे जाके. अलग से चैप्टर है भाई कैपिटल बजटिंग, अभी से कैसे समझा दूंगी पूरा चैप्टर, अभी जान दो. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर अगर मैं आपको बात करूँ, बस आपको इतना समझना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अरे यार अब तुम्हें एक बंदी के साथ डेट पे जाना है, तुमने किसी से बात की कोई ऐप पे, एंड तुमने डिसाइड किया कि उसके साथ डेट पे जाना है. 2 लड़कियों में से यू आर, एक ही घंटा है, बाकी टाइम तुम्हारे पास क्लासेस है, एक ही दिन है संडे का दिन. सो यू हैव टू डिसाइड विच गर्ल टू यू वांट टू गो ऑन अ डेट विद. तो तुम क्या इतना ज़्यादा उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करोगे क्या, कि मतलब तुम बोलोगे ठीक है यार इसके साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये घर से ज़्यादा पास में मिलने बोल रही है तो यहाँ मिल लेते हैं, ख़त्म करते हैं. बट अगर तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें ज़िंदगी स्पेंड करनी है उसके साथ, तो तुम ऐसी डिसाइड कर लोगे कि अरे यार ये मेरे घर के ज़्यादा पास रहती है तो मैं इसी से शादी कर लेता हूँ, या इसके साथ मेरे को मज़ा आता है तो मैं इसी के साथ शादी कर लेता हूँ। ऑफकोर्स नॉट, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इट इज़ अ सीरियस, भैया शादी करना बहुत सीरियस एस्पेक्ट है, तो आप सोच समझ के अपने डिसीजंस लोगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो शादी करना इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। गोइंग ऑन अ कॉफ़ी डेट विद अ गर्ल इज़ अ शॉर्ट टर्म डिसीजन, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है आज इसके साथ मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं यार, कोई गलत बात नहीं है। बट शादी करके ये थोड़ी बोलोगे इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को डिवोर्स देना है इस बंदी को। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सो इन बिजनेस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या हो सकते हैं कि आपको एक्सपेंशन करना है, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। अभी आप सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस कर, अभी आप सिर्फ कॉटन फाइबर बनाते थे, अब आपको उसकी शर्ट्स बनानी है, आपको वेंचर आउट करना है। ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कैसे होंगे? अरे भैया इसको कितने दिन की उधारी देनी है, मैं इसको कितने दिन की उधारी दूंगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे हाथ में कैश रहेगा क्या, मेरे हाथ में लिक्विडिटी रहेगी क्या, रॉ मटेरियल कितना कितना कब कब ऑर्डर करना है, एम्प्लॉय को रेज देना है क्या। ये सब चीज़ें आर वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ये सब शॉर्ट टर्म, बोथ ऑफ देम आर सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट। आई एम इन नो वे, वो आपको जो एग्जाम्पल था डेट और शादी का, दैट वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। बट कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, बोथ द थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्मूथ रनिंग। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म के नाले, भैया बहुत पैसा लगने वाला है अगर मुझे एक्सपैंड करना है, बहुत पैसा लगेगा अगर मुझे वेंचर आउट करना है तो, एंड इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल बजटिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वर्किंग कैपिटल भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अरे आज तुमने मशीनें लगा ली, तुमने सब इन्वेस्टमेंट कर लिया, पूरा प्लांट तुम्हारा रेडी है, बट आज तुम्हारे पास प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगर तुम्हारा वो फ्लो ऑफ फंड्स बराबर से नहीं बैठ रहा है कि हाँ भैया रॉ मटेरियल आ रहा है, बन रहा है, कस्टमर को जा रहा है, कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, अगेन रॉ मटेरियल मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, बन रहा है, एंड द स्मूथ साइकिल इज़ गोइंग ऑन, तो तुम्हारी कंपनी एक टाइम के बाद आके ढप हो जाएगी, तुम्हारी कंपनी एक टाइम के बाद आके पॉज लग जाएगा, एंड यू विल हैव नो वे टू प्रोसीड फर्दर अनलेस एंड अनटिल आप और फंड्स इन्फ्यूज़ करो। तो एग्जिस्टिंग फंड्स को कैसे यूज़ करके चर्न करना है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म डिसीजन, कैपिटल मैनेजमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। अभी के लिए आपको इतना बेसिक समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। नीचे कैपिटल बजटिंग इज़ अ इन डेप्थ चैप्टर जिसमें हम बहुत अच्छे से इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस में दो चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है मैडम? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि भैया मैं बैंक से कितना पैसा लूँ, मैं शेयर होल्डर्स से कितना पैसा मंगवाऊँ, मैं शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स इशू करूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करूँ, मैं डिबेंचर्स इशू करूँ क्या, कितना, और अगर मैं इशू कर रहा हूँ तो मैं कितना कैपिटल, कितना डिबेंचर्स इशू करूँ, कितना इक्विटी शेयर्स इशू करूँ, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं कितना लोन लूँ, क्या रेशो होना चाहिए, मैं 50% इक्विटी लूँ, 50% डेट लूँ, कि मैं 30% इक्विटी लूँ और 70% डेट लूँ, क्या रेशो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको डिसाइड करना है। क्या अब आप बोलोगे कि क्या डिसाइड करना है, यू नो? मतलब आप बोलोगे कि डेट में तो मैडम ऊपर से अगर हम बात करें तो डेट में आपको इंटरेस्ट देना है, आपको EMIs पे करनी, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट से सब पे करना है। इक्विटी में तो आप डिविडेंड दो नहीं दो, एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इट इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन टू पे इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड। इतना तो वी नो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दे या नहीं दे, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। अरे क्या बात कर रहे हो, मजाक बातें कर रहे हो क्या? तो आप बोलोगे कि इक्विटी पूरा कर लेते मैडम, 100% इक्विटी कर लेते, डेट लेते ही नहीं है। अरे डेट कैसे नहीं लोगे? डेट आपका जो डेट है, इन डिटेल आपको नीचे मैं समझाऊंगी कि डेट आपका कॉस्ट कट करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। आप कोई भी सोर्स प्रोक्योर कर रहे हो, इक्विटी हो चाहे डेट हो, हर सोर्स ऑफ फंड एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ अटैच्ड आता है। डेट का कॉस्ट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट कॉस्ट, उसमें आपको टैक्स रिडक्शन मिलता है तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट आपका इफेक्टिव कॉस्ट होगा। तो आपका जो डेट है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस व्हेन वी कंपेयर इट टू द इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हेन वी कंपेयर इट टू द ओनर्स फंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो मैडम मैं कौन सा सोर्स लूँ, कौन सा किस रेशो में लूँ, कितना डेट लूँ, कितना इक्विटी लूँ, मेरा कॉस्ट क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें आ जाएगी फाइनेंसिंग डिसीजंस में. मुझे कितना पैसा लगेगा, मैं पैसा कहाँ से लूँगा, वो पैसों का कॉस्ट क्या आएगा, ये सब आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में. डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन इज़ अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसमें ये आ जाता है कि आपको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है. अब आप बोलोगे नहीं देते डिविडेंड, अरे नहीं दोगे डिविडेंड तो शेयर होल्डर जाके देखेगा कि तुम्हारी बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है और उसके बाद भी मुझे डिविडेंड नहीं दे रहा है. तुमने बुक्स में दिखा दिया कि इस साल हमने 50% प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है और तुमने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, तो बोलेगा कि कुछ तो झोल झपाटा है, ये कंपनी में मेरे को रहना ही नहीं. हो जाके स्टॉक एक्सचेंज पर जाके आपका शेयर्स बेच के आ जाएगा और आपकी कंपनियों से पैसा वो निकल जाएगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कैश की. तो ये डिविडेंड डिसीजन है कि देना, और दे देंगे अगर. ठीक है मैडम आप बोलते हो कि शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे तो हम डिविडेंड दे देते. अरे डिविडेंड दे दोगे और कल को तुमने आज डिसाइड कर लिया कि भैया मैं 10 रुपये डिविडेंड दूंगा एक शेयर के ऊपर, और तुमने अपनी पूरी जो बेसिक कैलकुलेशन है उसके बाद कैलकुलेट किया, और कल को कोई अनसर्टनिटी आ गई तो उसके पास तो तुम्हारे लिए पैसे ही नहीं ना उस चीज़ को लेके, या तुम्हें री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे री इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि तुमने तो पूरा डिविडेंड उड़ा दिया जितना प्रॉफिट आया था. तो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस कि क्या मुझे डिविडेंड देना है, अगर देना है तो कितना देना है, दैट कम्स अंडर डिविडेंड डिसीजन. मैं दो चीज़ें होती है, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे या फिर आप अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे उस चीज़ को, आप रिटेन्ड अर्निंग्स उसको रख लोगे और डिविडेंड नहीं दोगे. रिटेन्ड अर्निंग्स लोगे तो आपकी बिजनेस इंक्रीज होगी, फिर आप शेयर होल्डर्स को उससे बोल सकते हो कि भैया वी हैव दिस प्लान कि रिटेन्ड अर्निंग्स हम ऐसे यूज़ करेंगे और शेयर होल्डर्स आपकी वेल्थ अगले साल इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. देन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज टू वाई यू नॉट पेइंग अ डिविडेंड, वाई यू आर रिटेनिंग द अर्निंग्स. क्योंकि मैडम मैं जो ये रिटेन्ड अर्निंग से पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज की डेट पे, ये मुझे ज़्यादा रिटर्न्स देगा दैन व्हाट अ शेयर होल्डर माइट अर्न फ्रॉम द मनी दैट आई गिव हिम और हर. तो इन दी एंड शेयर होल्डर को भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है. तो ये 3 टाइप के डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जिसका मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया. ये मैंने आपको बहुत ब्रीफली एक तरीके से ओवरव्यू दिया कि फाइनेंशियल डिसीजंस के कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन है, क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेना और सोच के डिसाइड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों फाइनेंशियल डिसीजन सोच के डिसाइड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों डिविडेंड डिसीजन सोच के डिसाइड करना इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इसमें भी और भी चीज़ें आती है, इसमें भी आप देखोगे कि हमने ऊपर की अभी रीडिंग नहीं ली, इसके नीचे बहुत सारी रीडिंग आती है कि कौन से फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करना है जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन डिसाइड कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने, एंड और भी चीज़ें आती है. दिस इज़ एन इन डेप्थ स्टडी, दिस विथ आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इवन फर्दर विथ इवन मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट लेक्चर है. So I don't want to overburden you today itself in the first lecture. हम अगले लेक्चर से, आज का लेक्चर तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसमें ही एक substantial portion of time चला गया. Next lecture में we'll study all these things even more in depthly, in an even more effective manner, in an even more better manner, और आपको और भी क्लैरिटी आती जाएगी. आपको सिर्फ मैंने जैसे बोला कि ये मोती की माला है, आपको एक एक फ्लो में मोती डालते जाना है और पिरोते जाना है. बस आपको अगले लेक्चर में इसको और कंटिन्यू करना है, इसका फ्लो मेंटेन करना है. सो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली कि FM SM क्यों है आपके सब्जेक्ट में, क्या क्या है उसमें, चैप्टर्स क्यों आपको पढ़ना ज़रूरी है, FM SM बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आज तक के आपको लगता था कि फाइनेंस ये होता है, फाइनेंस वो होता है, वो सब चीज़ें क्लैरिटी हुई. आई होप आपको मज़ा आया हो इस लेक्चर में. इट वॉज़ अ फन वे ऑफ लर्निंग टू यू. From the next lecture, we will skip to hardcore studying. We will skip to proper concept-related knowledge, proper exam-oriented things. With this, I would like to end this lecture. I'll see you in the next lecture very, very soon. Till then, take care. Bye-bye. Study hard and all the best.